सोशल मीडिया और इसकी कनेक्टिविटी के माध्यम से सूचना को विश्व स्तर पर फैलाया जा सकता है, जिसमें लोगों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इतना प्रचलित है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको भी तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होगी, लेकिन इन्हें एक्सेप्ट करने में सावधानी अगर आप नहीं बरतते हैं तो आपके साथ बड़ी साजिश हो सकती है और आप एक बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर अपराधी सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाता है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस गंदे खेल में कई लोग फंस चुके हैं, कई लड़कियां भी इन साजिशों की शिकार हो चुकी है। हाल ही में फेसबुक पर हुए फ्रॉड का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है झारखंड से। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं युवतियों को जाल में फंसाने, उन्हें ब्लैकमेल करने और उनका यौन शोषण करने वाले युवक मोहम्मद सद्दाम को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र का वादीडीह निवासी आरोपी ने एक महिला को मिलने के लिए होटल में बुलाया और जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दी। महिला के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया, आपत्तिजनक तस्वीरें उतारी, वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। पीड़िता के मुताबिक फेसबुक पर साहिल नाम से प्रोफाइल बनाने वाले सद्दाम ने उससे दोस्ती की, खुद को हिंदू बताया। उसने अपना परिचय इंजीनियर के रूप में दिया और कहा कि वह महाराष्ट्र में जॉब करता है। इसके बाद उसने महिला के फेसबुक प्रोफाइल से कुछ तस्वीरें उठाकर उन्हें एडिट करते हुए फर्जी वीडियो तैयार कर लिया और उसे भेज कर ब्लैकमेल करने लगा। उसे धमकी देकर महिला को मिलने होटल बुलाया, जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि उसे हमेशा पत्नी की तरह रहना होगा। सद्दाम ने कहा कि उसे उसके साथ कोलकाता चलना होगा। जब महिला ने विरोध किया तब सद्दाम ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बहन का बलात्कार करने की धमकी। उसके बाद महिला ने अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताया, उसको पूरी जानकारी दी और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए महिला के फोन का इस्तेमाल किया। कोलकाता जाने की बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए उसे पारसनाथ स्टेशन बुलाया। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने जैसे ही महिला को ले जाने की कोशिश की, पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है, वह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है और उसने ऐसे 3 अन्य महिलाओं और लड़कियों को इसी तरह जाल में फंसा रखा था और उन्हें भी ब्लैकमेल कर रहा था। आप सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी सोशल मीडिया पर नए नए दोस्त बनाते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से जुड़ने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।